निवेदिता। अक्सर अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी को ट्रोल करने की कोशिश की, वो भी स्पेशल वर्ड मोदी लाई से। लेकिन राहुल गांधी का ये निशाना चूक गया और एक बार फिर वो खुद ही ट्रोलर्स के शिकार हो गए। दरअसल पीएम मोदी को झूठ बोलने का आरोप लगाकर घेरने वाले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इंग्लिश डिक्शनरी में एक नया शब्द आया है, उस एंट्री की तस्वीर नीचे दी गई है। नीचे दी गई तस्वीर में मोदी लाई लिखा हुआ था, जिसका मतलब लगातार सच से छेड़छाड़, आदतन झूठ बोलना आदि बताया गया था। तस्वीर में डिक्शनरी के साइड में कांग्रेस का प्रचार करता विज्ञापन भी दिख रहा है, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जिस मोदी लाई वर्ड के जरिए पीएम मोदी पर झूठ बोलने को लेकर निशाना साध रहे थे, उनका खुद का ही दावा झूठा निकला कि मोदी लाई जैसा कोई शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़ा गया है, क्योंकि जब हमने डिक्शनरी में मोदी लाई शब्द ढूंढने की कोशिश की तो ऐसा कोई शब्द नजर ही नहीं आया। वहीं राहुल ने जब मोदी लाई के जरिए मोदी पर तंज कसा तो खुद ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। एक ट्विटर यूजर ने राहुल पर तंज कसते हुए लिखा, सर जी एक हमारी तरफ से, और उसने राहुल शब्द ढूंढ निकाला। ट्विटर यूजर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें राहुल का मतलब बताया गया है कि किसी के पूछे गए सवालों पर अप्रासंगिक बकवास बातें करना और इस तरह खुद को पूरी तरह मूर्ख बनाना। नया टीवीएस रेडियो जियो बुलंद बढ़ो बुलंद। हालांकि आपको बता दें इस तरह का कोई शब्द भी डिक्शनरी में नहीं है। एक और ट्विटर यूजर ने पप्पू शब्द का अर्थ बताते हुए तस्वीर पोस्ट की है। एक और ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा, तो एक व्यक्ति जो कहता रहा चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट में उसी के लिए माफी मांगता है, वो भरोसे लायक है और कोई और झूठा है। राहुल के तंज पर एक और ट्विटर यूजर ने पूछा, मोदी लाई शब्द मोदी नहीं है, दूसरी बात आप डिक्शनरी में भी न्याय का विज्ञापन चला रहे हैं, लेकिन क्यों? एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, इंग्लिश डिक्शनरी में एक पुराना शब्द है पप्पू, झूठ को लगातार सुधारना और फिर दोहराना। राहुल गांधी ने मोदी लाई शब्द वाले ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक वेबसाइट की खबर शेयर की है, जिससे माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने वेबसाइट के प्रचार प्रसार के लिए फेक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, क्योंकि मोदी लाई जैसा कोई शब्द ही इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। यही वजह है कि राहुल अपने नए वर्ड की वजह से खुद ही सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबके हाथ जोड़ी के प्रणाम। आज इतना भीड़ देखी के हमके विश्वास हो गवा कि माई विंध्यवासिनी के कृपा हम पर बनावा, और आप लोग का आशीर्वाद भी हमरे ऊपर बना रही। भाई और बहनों, चमड़ी भी जल जाए ऐसी भयंकर गर्मी में भी ये जन सैलाब और चुनाव के सातवें चरण में, और वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पे, ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, भाइयों और बहनों, दिल्ली के बड़े बड़े पॉलिटिकल ज्ञानियों को भी इस समय यहां आकर के देखना चाहिए कि लोगों का मिजाज क्या है। अपने सेवक के लिए जनता खुद प्रचार करने निकली है, अपने सेवक को कितना स्नेह, कितना आशीर्वाद दे रही है, वो यहां मैं मिर्जापुर में अनुभव कर रहा हूं। ये 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मेरी आखिरी सभा है, यहां से मैं बंगाल के लिए निकल जाऊंगा, और कल मध्य प्रदेश में मेरा आखिरी कार्यक्रम होगा।
साथियों, आपका यह स्नेह और उत्साह बताता है, जो जुस्सा जो उत्साह मैं देख रहा हूं, ये साफ बता रहा है कि 23 मई को फिर एक बार भाइयों और बहनों, लेकिन आपका प्यार जितना बढ़ रहा है उतना ही सपा बसपा कांग्रेस वालों की नींद उड़ रही है। उन्होंने हर रोज मुझे दी जाने वाली गालियों का डोज और बढ़ा दी है, लेकिन जैसे जैसे विरोधियों द्वारा गालियों की डोज बढ़ रही है, जनता मुझ पर अपने प्यार और विश्वास की डोज भी बढ़ाती चली जा रही है। साथियों, मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, मिर्जापुर को बारी बारी से लूटा था। मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने मिर्जापुर को नक्सली हिंसा में धकेल दिया था। मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने यूपी की खदानों को लूटकर अपनी तिजोरियां भर ली थी। साथियों, मिर्जापुर के लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं कि इनके राज में कैसे कैसे घोटाले किए गए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनाने का ढोंग किया और उसमें भी घोटाला कर गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मिर्जापुर को और उत्तर प्रदेश को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी तरसा के रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को बूंद बूंद सिंचाई के लिए तरसा दिया था। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिले भी बेचकर करोड़ों अरबों रुपये कमा गए। भाइयों और बहनों, जब इनकी महामिलावटी सरकार थी तो इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के उद्योगों को गुंडा राज की भेंट चढ़ा दिया। इन्होंने मिर्जापुर के शानदार पीतल के काम को, यहां के कालीन के कारोबार को बर्बाद कर दिया। साथियों, इनकी कर्म कुंडली में इतने कारनामे हैं कि बताते बताते शाम हो जाए। इन्होंने कभी गरीब की परवाह नहीं की, कभी किसान और महिलाओं की परवाह नहीं की। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले बुआ के बबुआ यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा वालों की बात शौचालय से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। साथियों, ऐसी बात वही कर सकते हैं जिसके लिए
माँ बहन बेटियों, इनकी गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का जरा सा भी महत्व न हो। हमारे लिए शौचालय माँ बहन बेटियों का इज्जत घर है। स्कूलों में शौचालय बने हैं तो बेटियां पढ़ाई कर पा रही है। माँ बहन बेटियों को शौच के लिए अंधेरा हो इसका इंतजार नहीं करना पड़ता है। साथियों, ये वही काम है जिसकी चिंता राम मनोहर लोहिया जी खुद किया करते थे। वो कहते भी थे कि महिलाओं की सबसे बड़ी दो समस्या है, और लोहिया जी कहते थे महिलाओं के सामने एक समस्या पानी की और दूसरी समस्या पैखाना।